निवाड़ी जिला के सैतपुर गांव में बोरवेल में गिरे बच्चा प्रहलाद को बाहर निकलने को काम अंतिम चरण में है, लेकिन अबे भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ई काम में कितनी देरी लग रही। दरअसल सुरंग बनने को काम लगभग पूरा हो गया तो, लेकिन जब भीतर बच्चा तक पहुंचने की कोशिश करी है तो मामूली अड़चन आई है और यही वजह से अबे थोड़ो वक्त और लग सकत। फिलहाल ताज़ा जानकारी का है ई के बारे में बात करें बुंदेली बौछार के संवाददाता सुधीर जैन से। हमारे संग हैं बुंदेली बौछार के संवाददाता सुधीर जैन। सुधीर भैया, का है स्थिति अबे मौका पे? मौका के शाम के 6 बज गए हैं और पूरा एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौका पे लगी है और निकलने को इंतजार के सुरंग पूरी हुई है और मोरा को निकाल के बाहर ले चले अस्पताल के आगे निवारी ले गए। एम्बुलेंस भी पूरी तैयार करी है, वो डॉक्टर नर्स बैठी है, इंतजार जो है कि बच्चा को निकले और तुरंत लेके जाए अस्पताल। अबे का स्थिति लग रही, कही जा रही थी कि 3-4 बजे तक निकल आया, फिर देरी का है मैं समझ में आ रही। सुरंग में कहा कि पानी भी आ रहा हो, साथ में मिट्टी भी है, उसकी वजह से देर लग रही और 23-24 फुट सुरंग खुद चुकी है और बाकी खुदाई को काम चल रहा है। वो अंदर से एक ही आदमी में जाने की गुंजाइश है, कोई खुदाई करत कोई मट्टी निकालत कोई पूरा काम कर रहा हो, उसकी वजह से देर लग रही। बाकी अंदर के ऑक्सीजन छोटो सिलेंडर स्ट्रेचर वो की सब व्यवस्था हमने कर ली अंदर सुरंग के अंदर, जैसे बच्चा निकले तो बाहर निकाल के ले आए और एम्बुलेंस द्वारा निवारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करें। तो अबे का परिस्थिति लग रही, लगभग कितनी देर मान के चले? लगभग अबे किसी समय को किसी इंतजार को पता नहीं लग रहा हो, चाहे कि उसमें कोई अधिकारी बोलने तैयार है कितना समय लगे, पूरे कलेक्टर एडीएम एसडीएम और एनडीआरएफ और सेना की टीम प्रमोट कर संभाले हैं और एक दिन तरह काम चल रहा। तो बच्चा निकले तो इसके बाद इसको कितने लो आ जावे की तैयारी है? बच्चा जैसे निकले तो एम्बुलेंस उन्होंने बिल्कुल मनारे पे लगाई है, जो उन्होंने सुरंग को खोले तो गड्ढा को मनारे पे लगाई है और वो तय क्यों एम्बुलेंस में रखे थे हमारी स्वास्थ्य केंद्र में उसे ले जाओगे। और अगर कोई गंभीर स्थिति भी तो झांसी भी लो आ जा सकत? अब अभी तक तो तिवारी के लाने तैयारी करी, जब आगे अगर कोई स्थिति बढ़ते तो वो झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर करें होते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।